मार्क्स देने वाली टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स टेकन बाय आवर फेलो जूनियर्स हु हैव वर्क्ड सो हार्ड टू मेक दिस फेयरवेल अ ग्रेट सक्सेस. आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू थैंक ऑल माय टीचर्स जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ तक कुछ बोल पाऊँ. स्पीच स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा. इस स्पीच का उद्देश्य किसी भी टीचर या स्टूडेंट की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो डील विद इट. हम सबकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी कॉलेज से, क्योंकि टेंथ के बाद हमारे पर निकल आते हैं. मैं तो सोचता था कि मेरे कॉलेज ऐसा होगा वैसा होगा, इसमें ये होगा ये नहीं होगा. हम सब सोचते थे कि करण जोहर की मूवी की तरह यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, गाना बजेगा मुंडा कुकड़ कमाल दा. लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो हमने देखा यहाँ तो अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही है. पर नहीं यार, इन दो सालों में हमने सच में बहुत मजे किए. फिर चाहे वो दिन बिन बात का वॉशरूम जाना हो या ऐसे ही दुर्गा में जाकर कॉफी पीना, फिर चाहे वो केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल्स को मिक्स करना हो या फिजिक्स लैब में 3 घंटे बैठकर एक भी रीडिंग न ले पाना. इतना तो मैं एग्जाम से नहीं डरता था जितना उस मीटर ब्रिज को देखकर डरता था, और सोचता था कि मेरे कनेक्शंस तो सही है, लगता है इन्होंने सर्किट डायग्राम ही गलत दिए. हमारे कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो होने भी चाहिए, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जो आदमी कॉलेज में एंटर हो गया है उसको दूसरे गेट से एग्जिट करने की परमिशन क्यों नहीं है. अब कॉलेज के पहले दिन से हमें किसी एक से तो प्यार हो ही जाता है, पर बात आगे कुछ बढ़ नहीं पाती और हमारा दिल टूट जाता है. तो अर्ज किया है कि तुम सलीम को देखकर मुस्कुराई, जावेद से बात की थी कि तुम सलीम को देखकर मुस्कुराई, जावेद से बात की थी, प्रैक्टिकल की कॉपी भी तुमने इरशाद के साथ की थी, कि मैं गिन नहीं पा रहा हूँ तुम ही बता दो कौसर, कि मैं गिन नहीं पा रहा हूँ तुम ही बता दो कौसर, कि 12वीं असल में तुमने कितनों की बर्बाद की थी. मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इतने सपोर्टिंग हेल्पिंग टीचर से सीखने का मौका मिला. खैर दोस्तों का तो पता नहीं, पर भाई तो बहुत कमाए मैंने. तो ये मेरे भाइयों के लिए, मगरूर है ये आशिकी सुकून सिर्फ दोस्ती में है, मगरूर है ये आशिकी सुकून सिर्फ दोस्ती में है, दुनिया के गम सारे डल से जाते तेरी हंसी में है. जो हो उदासी का आलम कभी तो मुस्कुराने का पैगाम तू, जो हो उदासी का आलम कभी तो मुस्कुराने का पैगाम तू, थका हारा लौटू दुनिया से मन चाहा आराम तू. कुछ साल बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि काफी कुछ भूल चुके हैं, कुछ साल बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि काफी कुछ भूल चुके हैं, पर वो लोग जिन्हें मैं अपने दोस्त कहता था वो अब मेरी जिंदगी बन चुके हैं. हमें हमेशा कहा गया है कि हम कोविड बैच हैं, हमको फ्री में मार्क्स मिले, पर हमारे टीचर्स ने हम पर बहुत विश्वास किया. तो ये उस विश्वास के लिए कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार. थैंक यू.